आप सबको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो बता दूं, मुंबई में होने वाला है कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। आपको तो पता है गणेश चतुर्थी में बहुत बड़े बड़े और सुंदर सुंदर गणपति पापा की मूर्तियां होते हैं, पर आपको ये पता है कि उन मूर्तियों के पीछे की मेहनत क्या होती है? इस वीडियो में आपको ये शेयर करने वाला हूँ इन मूर्तियों के पीछे की मेहनत। तो फ्रेंड्स, लोअर परेल स्टेशन से उतरने के बाद अब मैं जा रहा हूँ फेमस जो वर्कशॉप है परेल वर्कशॉप, वहाँ पे। तो ये वर्कशॉप लोअर परेल स्टेशन से 15 मिनट और करी रोड स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट पर है, तो चलो चलते हैं अंदर। अंदर आकर हमने बहुत सारे छोटे गणपति बापा के सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हर जगह अलग अलग तरह के गणपति बापा की मूर्तियां हैं। इस जगह पर बड़े मूर्तियां भी बन रहे हैं पर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ के छोटे मूर्तियां देखेंगे। सच में ये मूर्तियाँ सच में बहुत सुंदर है। ये सारे मिट्टी के बनाए हुए हैं और ये सब पीओपी से बनाए हुए गणपति बप्पा हैं। बप्पा हमारे साथ कुछ 11 दिन रहते हैं, पर सच बताओ तो जब से हम उनकी आने की तैयारी शुरू करते हैं तब से ही गणेश चतुर्थी चालू हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियां रेडी हो चुके हैं, बस अब फाइनल टच बाकी है। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और दूसरी वर्कशॉप जो पास में ही है वहां चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारिश भी शुरू हो गई है और मैं अब गणपति बापा जो गणेश संकुल का जो गणपति बापा वो देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ आगे भी एक गणपति बापा लोअर परेल, मतलब लाइन से ही आपको मिल जाएंगे जो वर्कशॉप है वो। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ कि वहाँ देखने के लिए कि वो वर्कशॉप चालू है कि नहीं, और वो वर्कशॉप देखने के बाद में यहाँ पे कोई और ऐसा नज़दीक तो नहीं है, पर देखूंगा कि छोटे मोटे रहेंगे। तो ये है वो दूसरा वर्कशॉप जो बहुत पास में ही है। सच में इस वर्कशॉप के अंदर जाते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हर जगह बड़े बड़े गणपति बापा की मूर्तियाँ, यहाँ देखूँ तो बापा, वहाँ देखूँ तो बापा, हर जगह किसी ना किसी अलग अलग गणपति बापा की मूर्तियाँ हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि हर साल आप कितने मूर्तियाँ बनाते हैं, उन लोगों ने बोला कि लगभग हर साल 40 से 50 बड़ी मूर्तियाँ वो लोग बनाते हैं। इन मूर्तियों के पीछे बहुत मेहनत होती है, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ पे हर किसी को अलग अलग काम दिया है, पर सब लोग कम से कम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। क्या आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्कशॉप ऑफ मुंबई इज ऑफ लेट विजय काटू एट इंडियन यूनाइटेड मिल्स, भारत माता सिनेमा के नज़दीक है। और एक वर्कशॉप जो कि रतनकर कंबाली जो हेड ऑफ कंबाली आर्ट्स के जो चिंचपोकली ब्रिज के पास, जो 1935 से मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मूर्ति और लालबाग का राजा बना रहे हैं। अभी
और ये लोग जो है ना बहुत मतलब बाहर बाहर से है, भोपाल कोलकाता मतलब बहुत अलग अलग जगह से आए जो बहुत मेहनत करके ये मूर्तियाँ बना रहे हैं। सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस साल जब 11 दिन के जब पापा घर पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस वीडियो को गणेश चतुर्थी के पहले देख रहे हैं तो इस वर्कशॉप को एक बार जरूर विजिट कीजिए।